छोटा बिग बॉस का 22वां दिन क्या अपनी फट पे क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा बताओ क्या दोगे चॉकलेट अगर तू जीत जाए तो तेरा 50% हमें मिलना चाहिए हां सब इसे एक पर नहीं है सब हां मैं तो पहले से ही खुश थी सब भी सही था यार टास्क होने वाला है इसीलिए हम खुश आ रहे हैं और सभी खुश भी आ क्योंकि सभी सेफ है ना इसका पिछला वीक बहुत अच्छा रहा क्योंकि इस डेंजर जोन में नॉमिनेट नहीं हुई थी बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं हुई थी मैं एक दिन भी नहीं हुई पहला भी कैसा गया क्या जिसमें नॉमिनेट नहीं हुई हाँ पहला गया इसका और कुणाल का पहला पहला था जिसमें नॉमिनेट हुए थे अरे यार फिर से एक जिला गए अरे अतरंगी स्टाइल होगा आज अगरबत्ती लगा के आएंगे आज इनका कुछ पता ही नहीं है छोटे मैं हूँ छोटे हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा ये बात मैंने नहीं गदर 2 में सनी देओल ने बोली ये बॉल क्या लेके आए हो ये बॉल देख अभी इसका भी पता चलेगा थोड़ी देर में बताओ तो जरा अभी बता दो अभी नहीं थोड़ी देर में ये खुद ही बॉल से लग रहे हैं आज तो इस ऊपर वाले चश्मे का कोई मतलब ही नहीं है नहीं मेरे को इससे भी दिखता है इससे देखो क्या रहा है इतने कलर तो ना वो दक्षिण अफ्रीका के झंडे में भी नहीं कलर भी दिख तो रही हो आप तो उसमें भी नहीं दिख रहे तो ये कुछ बोल ऊपर क्या कर रहे हो ऊपर क्या है ये क्या सीन है ये मेरा दिस इज चलो ठीक है ऊपर लिख दिया छोटे बिग बॉस का विनर मैं हूं तो यहां पे लिखने क्या नीड थी आज ही बाहर निकल जाएंगे इसका वो थोड़ा प्राइवेट है आ गए हैं अपने नरेश भाई भी तो आज पता ना मंडे है यस तो टास्क स्टार्ट होने वाले हैं आज सभी खुश हो या फिर ना खुश हो खुशी लेके क्या ले जाओ इसका पैक छूने के लिए लाए होगे ऐसे ही छूलो पैक ये बात तो कंफर्म है ये नरेश पे है इनका फेस नहीं दिख रहा कौन है तो कोई और तो फेस देख मुझे याद आ गया सीधे मुद्दे पे आते हैं अपन आज होगा टास्क टास्क के बीच में पहले बता देता हूँ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा अच्छे से प्रेजेंट करेगा अपने को झगड़ा किसी से नहीं करना है टास्क में एक्टिविटी करो तो टास्क के अकॉर्डिंग ही करना है और रिस्पेक्ट करनी है सभी की चाहे वो कोई भी हो सभी को आप करके बात करो तो और भी अच्छा है समझ रहे हो ना आप करके बात करो तो और भी अच्छा है तो अच्छे से मिलजुल कर खेलना है तो आज का टास्क मैं बता देता हूँ टास्क होने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ टीम रहेगी कुणाल सानिया ईशु जो कि पिछली बार टीम थी yes. और इस बार ये टीम नहीं रहने वाली ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने इस बार कुछ मेंबर बड़े हैं पता ना तो पहले तीन दिन की टीम थी तो इस बार चार चार की टीम होगी तो छोटे भी बॉस ने डिसाइड की है कि किसी ने के आ जाने से कुणाल सानिया और ईशु की बहुत अच्छी बन रही है अरे तो इनको एक दूसरे के अगेंस्ट किया जाए छोटा बिग बॉस क्या दिक्कत थी हमसे छोटा बिग बॉस कोई भी किसी का फ्रेंड नहीं है कोई भी किसी का भाई नहीं है कोई भी किसी का रिश्तेदार नहीं है रिश्तेदार भी नहीं है सभी अपना अपना गेम खेले अपना अपना गेम खेलोगे तो अच्छे से विनर बनोगे वरना सौ से आउट हो जाओगे तो ठीक है अभी मैं बताता हूँ तो सबसे पहले मैं टीम बना देता हूँ अपनी इच्छा से बताइए कौन किसकी टीम में जाना चाहेगा आप चार नरेश एक बार इधर आइए एक सेकंड चुप हो जाइए छोटे बिग बॉस ने आपकी टीम डिसाइड की है कुछ अलग तरीके से लेकिन पहले उससे पहले आपकी टीम देख लेते हैं कौन कौन किधर रहना चाहता है नरेश आप उधर जाना चाहते हो हाँ ठीक है तो टीम ये उतार दो तो सभी फैमिली मेंबर ने मिलकर डिसाइड किया है कुणाल सानिया
ईशु शर्मा एंड नरेश, ये चारों की टीम बननी चाहिए। लेकिन छोटे बिग बॉस के माइंड में कुछ और चल रहा है, उन्होंने मुझे कुछ और लिस्ट बनाकर भेजी है, तो उसके अंदर कौन कौन होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। तुलसी आप आगे आ जाइए, उस तरफ से सानिया आगे आ जाइए, नरेश बैठ जाइए। तो तुलसी की तरफ जाएंगे, नरेश तुलसी की टीम में नरेश एंड सानिया की टीम में जाएंगे संजय और आशु खड़े हो जाइए। आशु जाएंगे सानिया की टीम में, भगवान उठा ले मुझे। और कुणाल जाएंगे तुलसी टीम में। अब रहे टू मेंबर, ईशु शर्मा एंड पायल। पायल आप किधर जाना चाहोगे? इधर ही आजा। मुझे किधर भेजोगे आप? किधर जाना चाहोगे ईशु? आप बताइए। क्या बताऊँ, अब मेरी पूरी टीम को ये कर दिया आपने। टूटा है तो जुड़ा है क्यों? तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा क्या छोटे बिग बॉस? हाँ, आपके अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो क्या? मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है? ईशु को कौन लेना चाहेगा? मैं। कौन सी टीम लेना चाहेंगे? हमारी टीम। और आप नहीं लेना चाहोगे आपकी टीम? पायल को लेना चाहेंगे। पायल को? ईशु। हाँ। ईशु मैं तुझे लेना चाहिए। नहीं तो पायल को भेजते हैं संजय की, सॉरी सानिया की टीम की तरफ। जाइए पायल एंड ईशु, अभी रहे आप लास्ट, आ जाइए खड़े हो जाइए। आप जाओगे तुलसी की टीम की तरफ। तो अभी बन चुकी है दो टीम, टीम के लीडर रहेंगे, एक तरफ रहेगी लीडर तुलसी भाटी एंड सेकंड तरफ रहेगी सानिया, जो कि अपनी अपनी टीम को लीड करेंगे और बाकी के टीम मेंबर है अपने लीडर की बात सुनेंगे। ठीक है? ठीक है तुलसी, तीनों सुन रहे हो? आप तीनों अपने लीडर की बात सुनोगे। ओके, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा, आपका एक्सप्रेशन। अब तो फेस दिखा दो। नहीं, वो क्योंकि एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा ना। और सानिया की टीम में जो भी मेंबर है सानिया के कमांड को फॉलो करेंगे और जो कहेंगे वो मानेंगे। समझ गए? तो आज का टास्क क्या होने वाला है, आज का टास्क बताता हूं मैं। आज आपको ऐसे सेव कर देता हूं सभी को, कर दो। आज के टास्क जो जो टीम जीतेगी वो सेव हो जाएगी एंड जो टीम हारेगी उसकी टीम में से कोई डेंजर जोन में जाएगा। वो एक या दो, वो देखते हैं कितने जाएंगे, वो भी थोड़ी देर में टास्क के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कैसे क्या डेंजर जोन में जाने वाला है। लेकिन जो टीम हारेगी उसकी टीम में से डेंजर जोन में जाएगा। ठीक है? तो चलो गेम में मिलते हैं। बहुत सारे गिलास नहीं नहीं, पहले नीचे पकड़ने का काम मेरा है, और आप देख लेना। हां पकड़ तो लूंगी ऐसे करके टॉयलेट से। हां बस, अरे दोनों टीम आ जाइए, दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए, दोनों टीम के कैप्टन आगे हो जाइए, बाकी के सभी अपने कैप्टन के पीछे पीछे हो जाइए। जो प्लेयर है अपने कैप्टन के पीछे हो जाओ। आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो एंड तुलसी आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो। आपकी टीम में कुणाल, नरेश एंड ईशु। सानिया आपकी टीम में पायल, आशुतोष एंड संजय। तो बता देता हूं मैं, टास्क के अलावा गेम में कोई भी दूसरी बात नहीं करेगा। ठीक है? और कोई भी किसी को फिजिकली नुकसान नहीं करेगा। समझ रहे हो? नाखून से काटना, कपड़े खींचना, समझ रहे हो ना, गला दबाना, गला पकड़ो तो भी आराम से पकड़ना, अगले का नुकसान ना हो। समझ रहे हो? ठीक है? और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा, छोटा है बड़ा उसके अकॉर्डिंग। समझ गए? ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कुछ भी गुस्सा वगैरह हो तो यहीं पे ख़त्म करना है सभी को अपना गुस्सा। ओके, बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आज का टास्क क्या होने वाला है, आपके सामने गिलास दिखाई दे रहे हैं? हाँ। दे रहे हैं? कोई गिनती नहीं है इनकी तो। हाँ, गिनती नहीं है, लेकिन गिनती हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो आज जो टीम जीतेगी वो हो जाएगी सेफ।
पूरे प्लेयर उसके सेफ रहेंगे, जो टीम हारेगी उसका प्लेयर जाएगा डेंजर जोन में। वो कैसे जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में गेम खत्म होने के बाद बता दूंगा। तो अभी क्या है, अभी बता देता हूँ, इस साइड रहेगा सानिया का, इस साइड रहेगी सानिया की साइड एंड उस साइड रहेगी तुलसी की साइड, ठीक है। तो क्या होने वाला है, यहां से गिलास उठाकर दोनों टीमों को गिलास उठाकर अपनी अपनी साइड पिरामिड बनाने हैं, पिरामिड बनाने, समझ गए। पिरामिड बनाने के लिए आप लोगों को मिलेगा 6 मिनट का टाइम, 6 मिनट का टाइम मिलेगा। 6 मिनट के अंदर जिसका पिरामिड बना रहा वो विनर हो जाएगा। और पिरामिड बनाते वक्त आपके गिलास खराब नहीं होने चाहिए, गिलास भी सेफ होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़े वो चल सकता है लेकिन फटे हुए वो ध्यान रखना, ओके, समझ गए। गिलास को ऐसे पूरा खराब कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेफ रखना, सेफ खेलना गेम भी। तो समझ गए दोनों टीम, ओके। तो दोनों टीम, हेलो, दोनों टीम रेडी हो? रेडी है, रेडी है। मैं टाइम स्टार्ट करके चलता हूँ और आप लोग रेडी हो? कैसा लग रहा है पहले तो, सभी टीम अलग अलग हो गई, जो फ्रेंड्स थे अलग हो गई ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा ना, तो अच्छा नहीं लग रहा तो उसको पिरामिड बनाने दीजिए, नहीं बनाने दीजिए, टीम हमारी जीतेंगे, खेल में नहीं होता ऐसा, खेल। चलो ठीक है, तो रेडी हो? पिरामिड सुन लीजिए, तुलसी आपकी साइड ये रहेगी, सानिया आपकी साइड ये रहेगी, पिरामिड बना रहा है। ये रेड लाइन इसलिए कि आपका अलग अलग पोर्शन पता रहे कौन सा किसका साइड है, कौन सा किसका साइड है, ठीक है। वन टू देखो स्टार्ट, ऐसे थोड़ी करोगे, एक ही एक ही, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, गेम के भाई दिन आप क्या हो,
आप क्या भेज रहे हो पहले ये सोसाइटी होने तू छोड़। बिल्कुल गिलास नहीं है। वो नीचे पड़े हैं। तो नीचे पड़े हैं तो कायम ऐसे ही तो पौधे नीचे पड़े हैं तो उनका पिरामिड बनाना था। मैंने बोला लास्ट तक एक गिलास नहीं खड़ा। टीशर्ट में डालने से नहीं होता। चुप हो जाइए। गिलास मैंने बोला लास्ट तक एक गिलास रहना था। तो आपकी साइड दो गिलास है, ठीक है? तो आपकी टीम विनर है। चुप चुप
तुलसी की टीम विनर हो चुकी है आज के टास्क में। तो अभी है डेंजर जोन की बारी, डेंजर जोन की बारी। अभी आज के गेम में बहुत सारे रूल रेगुलेशन ब्रेक हुए हैं। अरे चुप हो जाइए, एक सेकंड चुप हो जाइए। आपने कर लिया, आज के गेम में बहुत सारे रूल रेगुलेशन ब्रेक हुए, हद से ज्यादा ब्रेक हुए हैं। तो जिसने सबसे ज्यादा ब्रेक किए वो जाएगा डेंजर जोन में। हाँ, चाहे वो कौन कैसी भी टीम हो, विनर हो या लूजर टीम हो। तो छोटे बिग बॉस देख रहे थे बहुत अच्छे से, कुणाल जब आंसू को पकड़ रखा था तो घुमा घुमा कर गिराने की कोशिश कर रहा था, संजय को पकड़ रखा था। चुप हो जाइए, संजय ने गलत नहीं, आप ज्ञान मत दो, अब सुन लो पहले, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मऊना तो आंसू को पकड़ रखा था तब ध्यान दे रहे, छोटे बिग बॉस बहुत गंदे तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक बार यहाँ पर, एक बार उस साइड, फिर संजय को पकड़ा। फिर ऐसे जंप लगा रहे थे गिराने के लिए, गिराने के क्यों? तो आपने वाला नाखून वगैरह टी शर्ट तो गिराओगे, गिराने का सिर पे ब्रेक। फाइनल डिसीजन है, कुणाल आज डेंजर जोन में है। चलो 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 च